नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं MPCHO एग्ज़ाम 2021। ओके, MPCHO एग्ज़ाम 2021 की आंसर की, ऑफिशियल जो आंसर की है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का जो फर्स्ट पेपर है, पार्ट फर्स्ट, वो मैंने बना दिया है। पार्ट सेकेंड के बारे में आज बात करेंगे। तो 50 क्वेश्चंस तक पार्ट फर्स्ट में अपन बना चुके हैं MPCHO का आंसर की के बारे में, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर के बारे में। अब जो सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट शिफ्ट का है, इसके बारे में 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स इसमें जो भी ऑब्जेक्शंस आपको डालना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। गवर्नमेंट लॉन्च NPCDCS प्रोग्राम टू टारगेट। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है NPCDCS प्रोग्राम, तो उसका टारगेट क्या है? ऑप्शन चार है, कैंसर, कार्डिक डिजीज, डायबिटीज एंड ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज। तो गवर्नमेंट ने NPCDCS जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका मेन टारगेट है कैंसर, कार्डिक डिजीज, डायबिटिक, इन सबको प्रिवेंट करना। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं NPDS की फुल फॉर्म की। अगर बात करें NPCDS की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ कार्डिक डिजीज, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डिक डिजीज एंड स्ट्रोक। तो चार डिजीज इसके अंदर मानी गई है। फर्स्ट है कैंसर, सेकंड है डायबिटीज, ओके डायबिटीज, और थर्ड इसमें मानी गई है कार्डियक डिजीज, और फोर्थ है इसमें स्ट्रोक। ओके, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर, डायबिटीज, कार्डियक डिजीज एंड स्ट्रोक, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 52, ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ए एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल कैपेबल ऑफ डिस्टेंट ऑर्गन कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग द एडजुसेंट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन, कैंसर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड डायबिटीज मेलाइटस। तो राइट आंसर है इसका कैंसर। जो भी इसमें दी गई है ये कैंसर का एक डेफिनेशन है। ओके, तो 52 में राइट आंसर है कैंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू रीजनल लिम्फ नोड्स एंड डिस्टेंट ऑर्गन इज कॉल्ड। रीजनल लिम्फ नोड और जो डिस्टेंट पास के जो ऑर्गन है उसमें स्प्रेड होता है उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर्स, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया। तो राइट आंसर है इसका सेकेंडरी ट्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ओबेसिटी का जो एडवर्स इफेक्ट है वो कौन सा है, एक्सेप्ट इसमें पूछा गया है? हाइपरलिपिडीमिया, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, हाइपोटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो इसमें राइट आंसर है हाइपोटेंशन। ओके, हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। जीरोफ्थेलमिया कैन बी कलर कंट्रोल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। तो जीरोफ्थेलमिया को कंट्रोल करने के लिए उसमें कौन सा प्रकार का विटामिन्स प्रोड्यूस मतलब दिया जाता है? विटामिन डी, विटामिन बी सिक्स, विटामिन ए एंड विटामिन ई। तो राइट आंसर है विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। डायबिटीज मेलाइटस इज यूजली रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो डायबिटीज मेलाइटस को यूजली किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है? ऑप्शन है चार आपके सामने, एल्बुमिनोरिया, हाई SGPT, ग्लाइकोसूरिया एंड यूरिया इन द यूरिन, यूरिया इन द यूरिन। तो राइट आंसर है इसका ग्लाइकोसूरिया। ओके, ग्लाइकोसूरिया के द्वारा ही डायबिटीज मेलाइटस को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। विल्सन्स डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय। विल्सन्स डिजीज है उसको किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड किया जाता है? चार ऑप्शन है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ द कॉपर इन द लीवर, किडनी एंड ब्रेन, थर्ड है इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन एंड लास्ट है नन ऑफ दीज।
तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक्युमुलेशंस ऑफ द कॉपर इन द लीवर किडनी एंड ब्रेन, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच इज द फॉलोइंग डिजीज नॉट कैंसर, कौन सा ऐसी डिजीज है जो कैंसर नहीं है, ग्लूकोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। तो राइट आंसर इसका ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक डिजीज है बट ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा ये कैंसर के टाइप्स हैं। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, द गोल ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया इलिमिनेशन इन इंडिया इज बाई, तो भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य क्या रखा गया है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शंस फोर 2030। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम दैट एम टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एमोंग प्रेग्नेंट वुमन्स बाय द इंक्रीजिंग देम टू डिलीवर इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी इज कॉल्ड, जननी सुरक्षा योजना, नवजात शिशु कार्यक्रम, रोगी कल्याण समिति, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका जननी सुरक्षा योजना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, नेशनल प्रोग्राम्स फॉर द फैमिली प्लानिंग लॉन्च ऑफिशियली इन दिस ईयर, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए जो ऑफिशियली जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो किस ईयर के अंदर लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड 1952। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड, तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में किस किस को इंक्लूड किया गया है, IEC एक्टिविटीज़, एड्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, टॉक एड्स प्रोग्राम एंड ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज, सभी को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, अंडर द WHO विजन 2020, WHO के द्वारा जो विजन है 2020 प्रोग्राम, द सेफ स्ट्रेटेजी इज एडोप्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो WHO के द्वारा जो विजन 2020 प्रोग्राम है उसमें जो सेफ स्ट्रेटेजी दी गई है वो किसके लिए दी गई है, चार ऑप्शन है ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, डायबिटीज रेटिनोपैथी एंड ऑनकोर क्राइसिस। तो राइट आंसर है इसमें ट्रेकोमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, कौन सी सिटी है जिसमें एलिफेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता एंड जयपुर। तो राइट आंसर है इसमें जयपुर, राजस्थान, जिसमें एलिफेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, ओके क्वेश्चन नंबर 65, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें इक्कीस जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का जो मोस्ट पॉपुलर जो क्लासिकल डांस है वो किस प्रकार का है, भरतनाट्यम, कटक, कुचिपुड़ी और मोरियंतम, मोहिनीअट्टम। तो राइट आंसर इसका भरतनाट्यम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, द स्टडी ऑफ द एटमोसफियर इज कॉल्ड, तो जो मौसम का जो अध्याय है, मौसम का जो स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, जियोलॉजी, निफोलॉजी, मेट्रोलॉजी और सिस्मोलॉजी। तो राइट आंसर है इसका मेट्रोलॉजी। ओके अंतरिक्ष विज्ञान, मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द स्टेट इन विच कोणार्क टेम्पल इज प्रेजेंट, कौन सा स्टेट है जहाँ पे कोणार्क टेम्पल प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, नागालैंड एंड असम। तो राइट आंसर इसका ओडिशा, ओडिशा के अंदर जो कोणार्क टेम्पल है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल,
द बेस्ट नर्सिंग एक्शन फॉर द पेरेंट्स हु आर डिस्प्लेइंग एंगर एंड गिल्ट इज। तो एक 5 साल का बच्चा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कौन सा नर्सिंग एक्शन है जो पेरेंट्स को देना ज़रूरी है? तो इसमें राइट आंसर है एंटिसिपेट देयर इमोशनल रिस्पॉन्ड एंड एक्नोलॉज देम। इसमें दिया गया है कि उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन ए चाइल्ड इज एक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक चाइल्ड है जो जिसमें एक्यूट फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल मेजर द नर्स शुड। तो कौन सा उसमें असेंशियल मेजर है जो नर्स उसका एक्शन लेगी? तो 4 ऑप्शन है जिसमें अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो वेट द चाइल्ड डेली, तो उस बच्चे का जो वेट है डेली करना है। ओके, वेट द चाइल्ड डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली फाइंडिंग ए नर्स शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ ए पेशेंट वियर टू डेवलप थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस फॉलोइंग इन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स। मोटिंग एंड कूलनेस, इरिदिमा एंड हीट, लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड नंबनेस एंड पालर एंड स्वेलिंग। तो राइट आंसर है इरिदिमा एंड हीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हाइल प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन इन द कम्युनिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस द नर्स शुड एम्फसाइज ऑन। ऑस्टियोपोरोसिस के रोकथाम के लिए समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हुए नर्स को निम्न पर जोर देना चाहिए। इलिमिनेटिंग स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग को, धूम्रपान को ख़त्म करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द डायग्नोसिस ऑफ ए पेशेंट असाइंड टू द नर्स इज राइट साइड हार्ट फेल्योर। ओके, एक पेशेंट है उसको असाइंड किया गया है कि नर्स राइट साइड हार्ट फेल्योर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए नर्स कैन एक्सपेक्ट वाइल असेसिंग। पेरिफेरल इडीमा, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सीजर्स एक्टिविटी। तो राइट आंसर इसमें पेरिफेरल इडीमा, तो ये हार्ट है। ओके, अगर इसमें राइट साइड में इधर जो राइट है और इधर लेफ्ट है। ओके, राइट साइड में जो वेंस और जो आती है ये बॉडी से कनेक्ट होकर आती है। ओके, और ये बॉडी में इधर से लेके जाती है, एरोटा यहाँ से निकलती है तो बॉडी में ऐसे लेके जाती है। जब राइट साइड में यहाँ पे हार्ट फेल्योर, राइट साइड का हार्ट फेल हो जाता है, तो इसका जो बॉडी का जो ब्लड है वापस अशुद्ध ब्लड, ये जब इसमें जाता है तो अंदर नहीं जाता है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, पेरिफेरल जो इडीमा है वो हो जाता है। ओके, तो ये आपको समझना है, पेरिफेरल इडीमा इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ए वुमन इज डायग्नोज टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। एक वुमन है उसको डायग्नोज किया गया है सीवियर एनीमिया का, तो उसमें हीमोग्लोबिन कितने से कम होना है? तो 7 ग्राम पर डेसीलीटर, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, 7 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू बोन एट द जॉइंट इज कॉल्ड कार्टिलेज, टेंडन, नर्व एंड मसल्स। तो राइट आंसर इसमें कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज, कौन सी वैक्सीन है जो डायरिया को कंट्रोल करती है? राइट आंसर इसमें रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, द प्रायोरिटी इंटरवेंशंस अंडर द एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर। तो प्रायोरिटी इंटरवेंशंस क्या है एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के अंदर? आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशंस, मेंचुरल हाइजीन, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इसमें जो ऑल ऑफ दीज है, चारों प्रकार के जो ऑप्शंस हैं इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द की एक्टिविटीज़ अंडर द मेंसुरल हाइजीन स्कीम आर। तो कौन सी की एक्टिविटीज़ है जो मेंसुरल स्कीम हाइजीन के अंदर इसमें यूज की जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो इसमें भी ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है, सेफ डिस्पोजल ऑफ द सैनिटरी नैपकिंस, सोर्सिंग एंड प्रोक्यूमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिंस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैनिटरी नैपकिंस और ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एचआईवी वायरस एक्सेप्ट। एचआईवी वायरस का जो रूट है सभी में से कौन सा दिया गया है, एक्सेप्ट भी पूछा गया है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड कॉन्टैक्ट, फोमेट ट्रांसमिशन और मेटरनल फिटल ट्रांसमिशन। तो इसमें एक्सेप्ट दिया गया है, तो राइट आंसर है फोमेट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द हार्ट कंपेयर्ड टू इट्स नीड्स कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेज इन द कोरोनरी सर्कुलेशंस ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट फेल्योर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, न्यूमोनिया एंड पल्मोनरी फेल्योर। तो राइट आंसर है इसका कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, कोरोनरी हार्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मिशन परिवार विकास इज एन इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू। मिशन जो परिवार विकास है उसकी पहल को इनिशिएटिव डायरेक्टेड टू प्रमोट अल्टरनेट एंटीनेटल केयर, प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, प्रमोट फैमिली प्लानिंग्स एंड प्रमोट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस। तो राइट आंसर है इसका प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ओके, फैमिली प्लानिंग को इसमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हाउ मैनी डिजीज आर कवर्ड अंडर द नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल वेक्टर बोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी डिजीज है, कितनी डिजीज है जो कवर की जाती है। तो इसमें राइट आंसर है 6 जो डिजीज है वो इसमें कवर की जाती है। ओके, 6/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना वॉज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फिक्स्ड डे एश्योर्ड कंप्रेहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर यूनिवर्सली टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमन्स इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो इसमें राइट आंसर है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज ऑफ मालाडी कंटेंट। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पैकेज जो मालाडी है इसमें कितने कंटेंट होते हैं, क्या होती है, 25 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और 3 आयरन टेबलेट्स। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 3, 21 ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्लस 7 आयरन इसमें टेबलेट होती है, टोटल 28 का ये टेबलेट का पैकेट आता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं और एक्सेप्ट भी इसमें पूछा गया है। तो सिम्पेटोमेट्रिक मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड्स, बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड और यूज ऑफ द कंडोम। तो राइट आंसर इसका यूज ऑफ द कंडोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज। तो मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का मोड ऑफ द एक्शन क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल जो म्यूकस है उसका विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द बैरियर मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द बैरियर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट डायफ्राम, नोवा टी, वेजाइनल स्पॉन्ग एंड कंडोम। तो राइट आंसर है इसका नोवा टी। ओके, एक्सेप्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ द इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। तो मेंटल हेल्थ पॉलिसी इंडिया के अंदर कब लॉन्च की गई है, तो राइट आंसर इसका 1982 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द नर्स इन्फॉर्म द फिजिशियन अबाउट द डेविएशन इन द रिकवरी ऑफ द रिमाइडल एक्शंस आर नेसेसरी इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, कमिटमेंट लेवल क्रिटिकल थिंकिंग, बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग और एडवांस लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। तो राइट आंसर इसमें बेसिक लेवल क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90,
द नर्स मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग फाइव राइट्स वाइल एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशंस। जब मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना होता है तो फाइव राइट्स जो नेसेसरी है, कौन कौन से राइट्स उनको कंसिडर करना है और इसमें एक्सेप्ट में दिया गया है। ओके, तो राइट आंसर है इसमें पहले है ऑप्शंस राइट पेशेंट, राइट पोस्चर, राइट टाइम, राइट डोज। तो राइट आंसर इसके अंदर राइट पोस्चर एक्सेप्ट में दिया गया है, तो राइट पोस्चर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द टेक्निक ऑफ रिपीटेटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द नर्स इज कॉल्ड एज। एक नर्स के द्वारा रिपीट करना उस मैसेज को, तो उसको क्या बोला जाता है? लिसनिंग, रिस्टेटिंग, क्लेरिफिकेशंस और रिफ्लेक्शन। तो राइट आंसर इसका रिस्टेटिंग। ओके, रिस्टेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ए न्यूबॉर्न इज असेस्ड फॉर अपगार ए 5 मिनट आफ्टर बर्थ, द स्कोर इज 8। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट्स। तो एक न्यूबॉर्न है, उसका 5 मिनट तक अपगार स्कोर असेस किया गया है, तो उसमें उसका स्कोर 8 आया है। तो क्या इसका कंडीशंस क्या रखा गया है? नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन और सीवियर डिप्रेशन। तो राइट आंसर इसका नो डिप्रेशन। ओके, क्योंकि ये नॉर्मल होता है, 7 से 10 तक जो अपगार स्कोर आता है उसको नो डिप्रेशन या नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, बेनिफिशियरीज ऑफ सुमन एक्सेप्ट ऑल प्रेग्नेंट वुमन्स, मदर अप टू द 6 मंथ ऑफ डिलीवरी, ऑल सिक न्यूबॉर्न्स, ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर। तो राइट आंसर इसमें ऑल चिल्ड्रन अप टू 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इंडिया ऑब्जर्व नेशनल वैक्सीन डे एवरी ईयर, 12 मार्च, 18 मार्च, 16 मार्च, 25 मार्च, 16 मार्च। बर्थ हर वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाता है। ओके, 95, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय द इन्फेक्शियस एजेंट एंड जस्ट अपीयर ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है बॉडी के अंदर एंटर करता है, देन जो साइन सिम्टम प्रोड्यूस करता है उसके बीच का जो टाइम है उसको क्या बोला जाता है? लेटेंट पीरियड, क्वारंटाइन, इंक्यूबेशन पीरियड या टर्मिनेशन पीरियड। तो राइट आंसर इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, जो पर्सन है मैसेज को ट्रांसमिट करता है उसको क्या बोला जाता है? एनकोडर, रिसीवर, डिकोडर और थिंकर। तो राइट आंसर इसका एनकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, ए बेबी बॉडी लैंग्वेज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ द कम्युनिकेशंस होता है? वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड। तो राइट आंसर इसका किस प्रकार का कम्युनिकेशंस है? तो इसका राइट आंसर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, तो क्वेश्चन नंबर 98 है आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करना था, तो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स है? तो ये इसका राइट आंसर है डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, डायलेटर्स, स्पेचुला और बीपी हैंडल। तो राइट आंसर है इसका बीपी हैंडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है? आईवी कैनुला, वेसल्स डायलेटर और लंबर पंचर नीडल, लॉन्ग नीडल। तो राइट आंसर है लंबर पंचर नीडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, नेम ऑफ दिस मशीन, ये मशीन किस प्रकार की मशीन है? तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है और इसका राइट आंसर देना है। कार्डिक मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और पोर्टेबल वेंटिलेटर। तो राइट आंसर है डिफिब्रिलेटर्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए टोटल 100 क्वेश्चंस, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, 2 क्वेश्चंस मैंने ऐसे बताए हैं जो कि आपको ऑब्जेक्शंस के लिए रखने जरूरी है। ओके, और उनको आपको मेंशन भी करना है ऑब्जेक्शंस के लिए। तो फ्रेंड्स ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर, उसके बारे में। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें नेक्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसके बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।